और 5 पॉइंट्स भी इसके रीड हो गए थे। ठीक है, हमने कल जो पढ़ा था, हमने पूरा का पूरा इलेक्शन प्रोसीजर के बारे में बात की थी कि इलेक्शन का प्रोसीजर कैसे चलता है। पहले क्या होता है, नोटिफिकेशन आती है डेट की, डेट एक फिक्स कर दी जाती है, फिर उसके बाद अलग अलग पार्टीज के जो लोग हैं वो अपने अपने कैंडिडेट को सेलेक्ट करना शुरू कर देते हैं। फिर जो आपका रिटर्निंग ऑफिसर है वो इसकी पूरी जांच करता है और एक लिस्ट प्रिपेयर करता है कि कितने कैंडिडेट जो हैं इस चुनाव में लड़ रहे हैं, और उनको एक एक सिंबल अलॉट करता है। ठीक है, फिर घोषणा पत्र होते हैं, वो लोग पूरी की पूरी कोशिश करते हैं इलेक्शन कैंपेन चलाकर ताकि लोगों को ज्यादा से ज्यादा प्रभाव में ले सकें। उसके बाद आपका वोटिंग का दिन आता है, हम वोट देते हैं बैलेट बॉक्स या ईवीएम के द्वारा। मैंने आपको बताया था कि आजकल ज्यादातर हम ईवीएम का ही यूज कर रहे हैं। उसके बाद फिर काउंटिंग की डेट आती है, और जिसके सबसे ज्यादा वोट होते हैं वो व्यक्ति विनर हो जाता है। अगर किसी व्यक्ति को ऐसा लगता है कि इलेक्शन फ्री एंड फेयर नहीं हुए हैं तो वो कोर्ट में इसके लिए पेटिटिशन भी दे सकता है। ये टॉपिक हम कल कर चुके थे। आज हम पढ़ने वाले हैं पार्टी सिस्टम इन इंडिया, भारत में किस प्रकार की राजनीतिक पार्टियों का सिस्टम है। पेज नंबर C17। इन इंडिया वी हैव मल्टी पार्टी सिस्टम, भारत में कई पार्टियों का सिस्टम है, कई पार्टियां हैं भारत में। देयर आर नंबर ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज इन इंडिया, भारत में कई संख्या में राजनीतिक पार्टियां हैं। वी कैन क्लासीफाई द पार्टी इनटू द नेशनल एंड द रीजनल पार्टी, हम इनको क्लासीफाई कर सकते हैं। नेशनल पार्टी मतलब जो पूरी सेंटर के लिए होती हैं, और रीजनल पार्टी जो किसी एक स्टेट में या किसी एक क्षेत्र की प्रॉपर होती हैं। नंबर वन दे रखा है नेशनल पार्टी में, अ नेशनल पार्टी हैज बीन इन्फ्लुएंस ऑल ओवर द कंट्री और इन अ मेनी स्टेट, कि एक जो नेशनल पार्टी है हैज इन्फ्लुएंस, वो प्रभावित होती है पूरी कंट्री, ऑल ओवर द कंट्री और इन मेनी स्टेट, बहुत सारी स्टेट्स और बहुत सारी कंट्रीज से वो प्रभावित होती है कि क्या क्या वहां पर टॉपिक और इश्यूज चल रहे हैं। जो आपकी रीजनल पार्टी है ये किसका है भाई, ये माई कौन है, जो ये काका नाम से कौन है, ये काका नाम से कौन है ये, और ये वन किसने बना रखा है, ओनली वन लिखा हुआ है। अपने अपने नाम से डाला करो सभी, ठीक है। और जो रीजनल पार्टियां क्या होती हैं, रीजनल मतलब क्षेत्र, अपने अपने क्षेत्र में पार्टियां किसी एक स्टेट या एक दो स्टेट के मैटर से वो रिलेटेड होती हैं। नेशनल पार्टी का पॉइंट नंबर टू, देयर इलेक्शन मैनिफेस्टोज कवर नेशनल इंटरेस्ट एंड इश्यू, कह रहे जो इनका इलेक्शन मैनिफेस्टो होता है, जो इलेक्शन घोषणा पत्र होता है, वो लगभग पूरे राष्ट्र के मुद्दों को कवर करता है, कौन सा, नेशनल पार्टी का। लेकिन जो रीजनल पार्टी का होगा वो किसी एक क्षेत्र को ही कवर करेगा। देखिए क्या लिखा है, देयर इलेक्शन मैनिफेस्टोज टेक अप इश्यूज विच पर्टेन टू दैट द पर्टिकुलर स्टेट और रिलीजन, पर्टेन मतलब संबंधित। ये ऐसा इलेक्शन मैनिफेस्टो होता है, ऐसी चुनाव का घोषणा पत्र होता है जो किसी एक पर्टिकुलर क्षेत्र या एक पर्टिकुलर राज्य से ही संबंधित होता है। पॉइंट नंबर थ्री, द एम्फेसिस ऑफ नेशनल पार्टी इज ऑन हार्मोनिशिंग द कॉन्फ्लिक्टिंग रीजनल इंटरेस्ट। द एम्फेसिस ऑफ नेशनल पार्टी इज ऑन, की जो नेशनल जो पार्टी है वो जोर डालती है, किस पर जोर डालती है, हार्मोनिशिंग द कॉन्फ्लिक्टिंग रीजनल इंटरेस्ट, कि कितने भी जो राज्यों के बीच में लेकर झगड़ा उठ रहा है, मेल जो खाते हैं जो मैटर, उनको लेकर वो अपनी बात को ऊपर उठाती है। बोलो धीरज, काम चेक करूंगी, पहले चैप्टर तो रीड कर लो। द रीजनल पार्टी स्टैंड फॉर द ग्रेटर ऑटोनॉमी फॉर द स्टेट, जबकि जो रीजनल पार्टी है स्टैंड फॉर द ग्रेटर ऑटोनॉमी फॉर द स्टेट, वो स्वराज्य या स्वशासन के लिए खड़ी होती है। उन्हें सिर्फ अपने ही राज्य से मतलब है, वो दूसरे राज्य से संबंधित नहीं होती, अपने ही राज्य के टॉपिक्स को वो लोग उठाते हैं। पॉइंट नंबर फोर, एन एक्सक्लूसिव नेशनल इलेक्शन सिंबल इज रिजर्व फॉर इज थ्रू आउट द कंट्री, कह रहे जो उनका इलेक्शन सिंबल होता है, उनका एक विशेष चुनाव चिन्ह होता है जो उनकी पूरी कंट्री के लिए रिजर्व होता है, जैसे बीजेपी का लोटस और कांग्रेस का हाथ का निशान। ठीक है, एन इलेक्शन सिंबल इज रिजर्व फॉर इन अ स्टेट, जबकि जो रीजनल पार्टी है उनका जो इलेक्शन चिन्ह होता है वो सिर्फ उनके स्टेट या उनके ही यूनियन टेरिटरी के लिए होता है, जिस भी स्टेट से वो पार्टी संबंधित होती है।
पॉइंट नंबर फाइव, एग्जाम्पल ऑफ नेशनल पार्टीज आर इंडियन नेशनल कांग्रेस, नेशनल पार्टी के एग्जाम्पल दिए हैं इंडियन नेशनल कांग्रेस, भारतीय जनता पार्टी एंड CPI, ठीक है। और जो एग्जाम्पल है रीजनल पार्टी के वो तेलुगु देशम, DMK, शिवसेना, अकाली दल, ठीक है, ये सब इसके एग्जाम्पल हैं। अब देखिए सम नेशनल पार्टीज ऑफ इंडिया, भारत की कुछ नेशनल पार्टीज के बारे में बताया है। सबसे पहले बताया इंडियन नेशनल कांग्रेस के बारे में। आप सभी जानते हैं कि कांग्रेस जो है उसका सिंबल हाथ का निशान है, और बेटा जो ये कांग्रेस जब बनी थी, द इंडियन नेशनल कांग्रेस वॉज फॉर्म इन 1885, 1885 ईस्वी में कांग्रेस बनी थी। इट सेपरेट हार्ट द फ्रीडम मूवमेंट, इसने फ्रीडम मूवमेंट जब आजादी के लिए आंदोलन हुए तो इसने मुख्य धारा निभाई, बहुत इंपॉर्टेंट रोल निभाया था कांग्रेस ने। इट्स इलेक्शन सिंबल इज ह्यूमन हैंड, इसका चुनाव चिन्ह ह्यूमन हैंड, मानव के हाथ का निशान है। मई 2004 में अंडर कांग्रेस, कांग्रेस के अंडर में UPA, UPA की फुल फॉर्म दे रखी है यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस, मतलब इस वक्त में जो कांग्रेस है उसको फुल मेजोरिटी नहीं मिली थी, उसने UPA के साथ गठबंधन की सरकार बनाई थी। गवर्नमेंट वॉज फॉर्म एंड डॉक्टर मनमोहन सिंह बिकम अ प्राइम मिनिस्टर, और उस समय में डॉक्टर मनमोहन सिंह प्राइम मिनिस्टर बने थे। अगेन इन 2009 और फिर 2009 के अंदर जब फिर से इलेक्शन हुए, अ कोलिशन गवर्नमेंट वॉज फॉर्म अंडर द कांग्रेस, फिर भी कांग्रेस के साथ उन्होंने एक कैसी कोलिशन मतलब गठबंधन की सरकार बनाई, उस वक्त भी कांग्रेस को फुल मेजोरिटी नहीं मिली थी। फिर भारतीय जनता पार्टी के बारे में बताया है, तीन पार्टियां हैं आपकी नेशनल की जिनके बारे में ये जिक्र कर रहे हैं। द भारतीय जनता पार्टी केम इनटू एक्सिस्टेंस ऑन 6 अप्रैल 1980, भारतीय जनता पार्टी कब अस्तित्व में आई, 6 अप्रैल 1980 को, जबकि कांग्रेस बहुत पुरानी है, 1885 में फॉर्म हुई थी। निखिल अपना माइक बंद कर दो। द पार्टी विद अलायंस हैड फॉर्म्ड द गवर्नमेंट, बीजेपी और उसकी जो अलायंस, जो उसकी गठबंधन की सरकार है वो बनी कैसे, एट द सेंटर, केंद्र में उसकी सरकार बनी श्री अटल बिहारी वाजपेयी एज अ प्राइम मिनिस्टर इन 1999 में बीजेपी की गवर्नमेंट आई, गठबंधन की सरकार थी और उस वक्त में प्राइम मिनिस्टर बने थे हमारे मिस्टर अटल बिहारी वाजपेयी। इट्स इलेक्शन सिंबल इज लोटस, इनका इलेक्शन सिंबल बीजेपी वालों का कमल का फूल है। द बीजेपी लेड नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस एमर्ज विक्टोरियस इन द 16th जनरल इलेक्शन, कह रहे बीजेपी ने नेशनल डेमोक्रेटिक NDA के साथ गठबंधन बनाया और विक्टोरियस विजय हो गई 16th बार लोकसभा के चुनाव हुए, और 26 मई 2004 श्री नरेंद्र मोदी ऑफ द बीजेपी, मिस्टर नरेंद्र मोदी जो थे बीजेपी के, वॉज स्वॉर्न मतलब शपथ लेना, मिस्टर बीजेपी ने शपथ ली इज एन द न्यू प्राइम मिनिस्टर, हमारे नए प्रधानमंत्री के रूप में। 2004 के बाद 2009 में इलेक्शन हुए जिसमें भी मिस्टर नरेंद्र मोदी हैं जो उन्होंने कोलिशन की गवर्नमेंट बनाई। कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सिस्ट CPIM, जो कम्युनिस्ट पार्टी है उसी को ही हम CPIM या मार्क्सवादी पार्टी कहते हैं। इसमें टोटल जो मेंबर है ना 13 है। द कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया वॉज फॉर्म इन 1925, इस पार्टी, ये पार्टी कब बनी थी, 1925 में। सबसे पहले कांग्रेस आई 1885, फिर बीजेपी बाद में आई, पहले आई कम्युनिस्ट पार्टी 1925 में और फिर बीजेपी आई 1980 में। फॉलोइंग द चाइनीज इन्वेशन ऑफ इंडिया इन 1962, जब 1962 के अंदर भारत में, भारत का चाइनीज, चाइना के साथ युद्ध हुआ था, देयर वॉज अ स्प्लिट इन द पार्टी, तो ये पार्टी विभाजित हो गई, स्प्लिट हो गई। द कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सिस्ट वॉज फॉर्म इन 1964, भारत की जो कम्युनिस्ट पार्टी है उसका निर्माण 1964 में हुआ, पहले तो 62 के अंदर, तो 1925 में तो ये बनी थी, लेकिन चाइना का जब चाइना के साथ युद्ध हुआ तो ये पार्टी दो पार्ट्स में डिवाइड हो गई, और फिर 64 के अंदर फिर से इंडियन मार्क्सिस्ट पार्टी का निर्माण हुआ। इट्स इलेक्शन सिंबल इज हैमर, सिकल एंड स्टार, इसका इलेक्शन का जो सिंबल है वो क्या है, हैमर एक हथौड़ा, सिकल एक हसिया जिससे फसल काटते हैं, एंड स्टार, देखो ये रहा, ये हैमर दे रखा, ये हथौड़ा है, ये सिकल और ये ऊपर स्टार, ठीक है, ये इसका साइन है। और कांग्रेस और बीजेपी के बारे में तो आप सभी लोग जानते ही हैं,
द रोल ऑफ द अपोजिशन, अपोजिशन का जो पार्टी मेजोरिटी में होती है, जिस पार्टी के सबसे ज्यादा मेंबर जीत कर आते हैं वो पार्टी मेजोरिटी में होती है, उसके अलावा जो बाकी पार्टियां हैं वो अपोजिशन या विपक्ष दल की पार्टियां कहलाती हैं, उनकी क्या इंपॉर्टेंस है? देखिए, द रोल ऑफ द अपोजिशन, ठीक है, द अपोजिशन हैज इंपॉर्टेंट रोल टू प्ले इन अ डेमोक्रेसी, डेमोक्रेसी एक लोकतंत्र में जो विपक्ष दल की पार्टियां हैं वो भी एक महत्वपूर्ण रोल निभाती हैं। द लीडर ऑफ द अपोजिशन हैज सेम स्टेटस दैट ऑफ अ कैबिनेट मिनिस्टर, जो लीडर होता है अपोजिशन पार्टी का उसका वही सेम स्टेटस होता है जैसे कि हमारे कैबिनेट मंत्री का। मंत्री मेजोरिटी पार्टी से बनते हैं, जितनी मेजोरिटी पार्टी के कैबिनेट मिनिस्टर को सुविधाएं मिलती हैं उतनी ही सुविधाएं अपोजिशन पार्टी के लीडर को भी होती हैं। द अपोजिशन एक्सरसाइज एडुकेट चेक ऑन द गवर्नमेंट, अपोजिशन का काम क्या है? एडुकेट चेक, सही तरीके से गवर्नमेंट के काम को चेक करना, उनका काम ही यही है कि गवर्नमेंट के काम में कमी निकालें, बस किसी तरीके से जो पार्टी मेजोरिटी में है ऐसा कुछ किया जाए कि वो पार्टी खत्म हो, मतलब उसकी कमियां चुन चुन कर निकालते हैं। इट क्रिटिसाइज इट्स पॉलिसीज एंड चेक अब्यूज ऑफ पावर बाय द गवर्नमेंट, वो बार बार आलोचना करते हैं, बुराई करते हैं गवर्नमेंट की पॉलिसीज की, और गवर्नमेंट जितना भी अपनी पावर का दुरुपयोग करती है उसको अच्छे से चेक करते हैं और हम लोगों तक ये बात पहुंचती है कि गवर्नमेंट क्या क्या कर रही है। इफ अ नॉन कॉन्फिडेंस मोशन इज पास, यदि किसी कैबिनेट मिनिस्टर के खिलाफ नॉन कॉन्फिडेंस मोशन पास हो जाता है, नॉन कॉन्फिडेंस मोशन एक ऐसा प्रस्ताव है, एक ऐसा सजेशन है जो कि लोकसभा या लेजिस्लेटिव असेंबली में जब लाया जाता है तो उसका मतलब ये होता है जिसके भी खिलाफ वो मोशन लाया गया है, यदि उसके खिलाफ हाफ से ज्यादा मेंबर उसके फेवर में हो जाते हैं, हाँ ये मोशन पास होना चाहिए, तो उस मिनिस्टर को वहां से क्या होता है, रिजाइन देना पड़ता है। ठीक है, उसको वहां से रिजाइन देना पड़ता है। और वो कौन सा मोशन है, कौन सा प्रस्ताव है? इस प्रस्ताव का नाम है नॉन कॉन्फिडेंस मोशन, मतलब अविश्वास पत्र, मतलब अब मिनिस्टर पर विश्वास नहीं रहा, उसके खिलाफ अविश्वास पत्र पास हुआ है, एंड द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर विल हैव टू रिजाइन। अब काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को रिजाइन देना ही होगा, मंत्री परिषद को, पूरी मंत्री परिषद को रिजाइन देना पड़ जाता है। द अपोजिशन सीक इंक्वायरी इनटू केसेस ऑफ ब्राइबरी एंड द करप्शन, कैन द अपोजिशन, जो विपक्ष दल की पार्टियां हैं वो पूछताछ करती हैं इन द केस ऑफ ब्राइबरी, अगर उन्हें पता चल जाए कि किसी मिनिस्टर ने रिश्वत ली है, रिश्वत के मामले में वो पूरी जांच करती हैं, एंड करप्शन और देश के भ्रष्टाचार को लेकर वो पूरी इंक्वायरी करती हैं और गवर्नमेंट की कमियों को हमारे सामने उजागर करती हैं। बट गवर्नमेंट की कमी का हमारे आगे आना बहुत जरूरी है, ऐसा नहीं कि विपक्ष दल जो है सिर्फ गवर्नमेंट की बुराई करता है, यदि विपक्ष दल नहीं होगा तो गवर्नमेंट अपना काम कभी सही से नहीं करेगी, उसे डर है कि यदि हम इस टाइप का काम करेंगे तो विपक्ष जो है अपोजिशन पार्टी हम पर उंगली उठा सकती है। इट मोल्ड पब्लिक ओपिनियन बाय होल्डिंग द डेमोन्स्ट्रेशन रैलीज मोर्चास एंड द पब्लिक मीटिंग अगेंस्ट द गवर्नमेंट रॉन्ग पॉलिसी। इट मोल्ड, मोल्ड मतलब बनाना, ये लोगों के विचारों को बनाती है, कैसे बड़े बड़े डेमोन्स्ट्रेशन प्रदर्शन किए जाते हैं, रैलीज निकाली जाती है, मोर्चा धरने दिए जाते हैं, पब्लिक मीटिंग आम सभा होती है लोगों की अगेंस्ट द गवर्नमेंट रॉन्ग पॉलिसी, गवर्नमेंट की जितनी भी गलत नीतियां चल रही हैं उनके खिलाफ लोग बड़े बड़े प्रदर्शन करते हैं, लोगों के विचार ऐसे बना देते हैं कि गवर्नमेंट की कमी को लोग लेकर लोग अग्रसर होते हैं और बहुत ही ज्यादा लोगों के अंदर गुस्सा होता है और वो रैलीज निकालते हैं, ठीक है, मोर्चा करते हैं, आम सभाएं करते हैं और गवर्नमेंट से उसका जवाब मांगते हैं। द अपोजिशन शुड सपोर्ट गुड मेजर ऑफ द गवर्नमेंट, लेकिन जो अपोजिशन पार्टी है वो गवर्नमेंट के अच्छे काम में उसको सपोर्ट भी करती है। वॉकआउट एंड द स्लोगन शाउटिंग इन द हाउस शुड बी अवॉइडेड, करें हाउस के अंदर, लोकसभा के अंदर वहां से एकदम बाहर चले जाना किसी बात को लेकर, या स्लोगन बोलना, बहुत बड़े बड़े किसी मिनिस्टर के खिलाफ नारेबाजी लगाना, इसको अवॉइड किया गया है, ऐसा काम वहां पर नहीं होता। अब मैंने आपको बार बार बताया कोलिशन गवर्नमेंट, कोलिशन गवर्नमेंट मतलब गठबंधन की सरकार, जब भी कभी एक पार्टी मेजोरिटी में नहीं होती है, किसी भी एक पार्टी के हाफ से ज्यादा मेंबर जीत कर नहीं आते, उस वक्त में दो या दो से ज्यादा पार्टियां मिलकर सरकार बनाती हैं जिसे हम गठबंधन की सरकार कहते हैं। इंडिया हैज अ मल्टी पार्टी सिस्टम, भारत में मल्टी पार्टी सिस्टम है, कई प्रकार की पार्टियां हैं। इट इज पॉसिबल, और ये भी पॉसिबल है दैट इट इज पॉसिबल दैट इन अ इलेक्शन, कि एक इलेक्शन के अंदर नो पार्टी गेट अ क्लियर मेजोरिटी इन द हाउस, कि पार्टी के अंदर
किसी भी सॉरी इलेक्शन के अंदर किसी भी पार्टी को मेजोरिटी ना मिले। अंडर सच सर्कमस्टांसेस, इस प्रकार की सर्कमस्टांसेस परिस्थितियों के अंदर टू एंड मोर पार्टीज, दो या दो से ज्यादा पार्टी डिसाइड टू वर्क टूगेदर इन ऑर्डर टू गवर्न, वो सब मिलकर डिसाइड करती हैं कि वो एक साथ मिलकर काम करेंगे और गवर्नमेंट को चलाएंगे। दे इलेक्ट अ लीडर, वो अपना एक लीडर चुनते हैं हु इज इनवाइटेड बाय द प्रेसिडेंट, उसे प्रेसिडेंट द्वारा इनवाइट किया जाता है टू फॉर्म द गवर्नमेंट, गवर्नमेंट बनाने के लिए। इन 1889 में द नेशनल फ्रंट फॉर्म द गवर्नमेंट, नेशनल फ्रंट ने गवर्नमेंट बनाई विद द आउटसाइड सपोर्ट ऑफ द बीजेपी एंड द कम्युनिस्ट पार्टी, इसमें बीजेपी और कम्युनिस्ट पार्टी ने सपोर्ट किया। इन 2004 कांग्रेस एंड इट्स अलायंस फॉर्म, मैंने आपको पहले भी बताया यूपीए के साथ कांग्रेस ने सरकार बनाई थी जब हमारे पीएम थे डॉक्टर मनमोहन सिंह 2004 में। तो इन 2004 द कांग्रेस एंड इट्स अलायंस आर फॉर्म्ड द यूपीए गवर्नमेंट विद डॉक्टर मनमोहन सिंह एज अ प्राइम मिनिस्टर एंड द कांग्रेस कंसिडरेबली इंप्रूव्ड इट्स पोजीशन इन 2009, और कांग्रेस ने अपनी पोजीशन को और भी इंप्रूव कर लिया, और भी मजबूत कर लिया 2009 में, क्योंकि जब 2009 में दोबारा इलेक्शन हुए तो वापिस से कांग्रेस जीती और उसने गठबंधन की सरकार बनाई थी। बट द न्यू गवर्नमेंट अंडर द मनमोहन सिंह डिपेंड फॉर इट्स सर्वाइवल ऑफ मैनी पार्टीज, लेकिन जब 2009 के अंदर गवर्नमेंट बनाई गई, वो भी कोलिशन की गवर्नमेंट थी, उसे कई पार्टीज पर डिपेंड रहना पड़ता था। रनिंग अ कोलिशन गवर्नमेंट इज नॉट अ इजी टास्क, कि एक गठबंधन की सरकार को बनाना कोई इजी टास्क नहीं है। अगर दो पार्टीज के बीच में मतभेद हो गया तो वो अपना सपोर्ट वापस ले लेगी और उसकी गवर्नमेंट खत्म हो सकती है, इसीलिए सबके मतों को साथ लेकर सबके राजीनामे से काम करना पड़ता है। ये कोई आसान काम नहीं है। डिफरेंट पार्टीज हैव देयर डिफरेंट पॉलिटिकल पॉलिसीज विच रिजल्ट इन मैनी कॉन्फ्लिक्ट, यानी अलग अलग पार्टियों की अलग अलग पॉलिसीज होती हैं जिसके कारण उनके बीच में कॉन्फ्लिक्ट, झगड़े हो जाते हैं। The party which formed the coalition in 2004 has formulated a common minimum program. जो parties formed हुई थी coalition government में 2004 में डॉक्टर मनमोहन सिंह के समय में, common minimum program चलाया गया, मतलब government ने मिलकर एक साथ सभी parties के समझौते के साथ एक common minimum program चलाया कि सबके common जो program थे उसी को ही आगे बढ़ाया गया। Despite that, इसके बावजूद भी डॉक्टर मनमोहन सिंह had to face much opposition from the coalition partners. इसके बावजूद भी, जबकि उन्होंने एक कॉमन मिनिमम पॉलिसीज को लेकर वो आगे बढ़े, लेकिन फिर भी उनकी जो सपोर्टर पार्टियां थी जिनके साथ उन्होंने गठबंधन की सरकार बनाई, उन्होंने उनके खिलाफ काफी ज्यादा क्या किया, विरोध किया। तो डॉक्टर मनमोहन सिंह को गवर्नमेंट फेस मच ऑफ द अपोजिशन, गवर्नमेंट जो मनमोहन सिंह की गवर्नमेंट थी उसे बहुत सारा विरोध का सामना करना पड़ा अपने ही कोलिशन पार्टनर के साथ। द कम्युनिस्ट पार्टी हैड विथड्रॉन सपोर्ट द यूपीए अंडर इन 2000 जुलाई 2008। कह रहे कम्युनिस्ट जो पार्टी थी उसने अपनी सपोर्ट वापस ले ली जो उसने कांग्रेस को सपोर्ट दी थी यूपीए की 2008 में। जब भी दो पार्टियों में झगड़ा होता है, यदि दो पार्टियों में से एक पार्टी अपना सपोर्ट वापस ले लेती है तो दूसरी पार्टी की सरकार में मेंबर्स कम हो जाते हैं, लेकिन यहाँ पर दो या दो से ज्यादा पार्टियां थी इसलिए 2009 तक जो है ये सरकार बनी रही और 2009 के अंदर फिर से कांग्रेस आई। अब देखिए ये कुछ नेशनल पार्टीज दे रखी हैं जिनके सिंबल यहाँ पर दिखा रखी हैं, देख रहे हैं आप, ये आपकी कौन सी है, ये आपकी नेशनल पार्टी है और इनके सिंबल भारतीय जनता पार्टी लोटस, ये लोटस का साइन है, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया हैमर, ये हथौड़ा है, ये सिकल है एंड ये स्टार है इसका, इंडियन नेशनल कांग्रेस का ये हैंड है। ये तीन आपकी नेशनल पार्टीज है, कुछ नेशनल पार्टीज के नाम दे रखे हैं और यहाँ पर कुछ रीजनल पार्टीज भी हैं। बहुजन समाज पार्टी है, देखिए एलिफेंट, एलिफेंट है इसका सिर्फ सिक्किम असम और पुडुचेरी को छोड़कर। कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया सीपीआई जो है ये क्या है, ईयर्स ऑफ कॉर्न एंड सिकल, देखिए कॉर्न मक्के के ये बालियां दे रखी हैं और साथ में सिकल है। असम गाना परिषद इसका एलिफेंट है, इस और इस एलिफेंट में डिफरेंस है, इसमें स्वास्तिक बना है। नेशनल कॉन्फ्रेंस इसका फ्लो एक हल दे रखा है, शिरोमणि अकाली दल का स्केल एक पैमाना तराजू है, तेलुगु देशम पार्टी बाईसाइकिल साइकिल है एंड तृणमूल कांग्रेस इसका ये देखिए ये फ्लावर्स दे रखे और साथ में घास उग रही है। डीएमके राइजिंग
सन, उगता हुआ सूर्य, ठीक है, एल आई डी एम के, ए एल आई ए डी एम के, इसका टू लीव्स, दो पत्तियां हैं, एंड शिवसेना बो एंड एरो मतलब तीर कमान है, तीर के साथ कमान भी दे रखा है। कुछ रीजनल पार्टीज के साइंस तो के बारे में आपको यहाँ पर बताया गया है। पेज चेंज कर लीजिए बेटा, पेज नंबर C20 पर आ जाइए, ठीक है। देखिए ऑन कर लूं, नहीं आती, गर्मी बहुत है, कर लूं या रहने दूं? चलो कोई बात नहीं, अकॉर्डिंग टू सम राइटर्स कुछ कर लूं। अच्छा ठीक है, चलो देखो, अकॉर्डिंग टू सम राइटर्स, कुछ राइटर्स के अनुसार अ कोलिशन गवर्नमेंट इज मोर डेमोक्रेटिक। उनका मानना है कि यदि गठबंधन की सरकार हो तो ज्यादा लोकतांत्रिक ज्यादा सफल हो सकता है, बिकॉज इट इज फॉर्म्ड बाय द एग्रीमेंट बिटवीन द मैनी पॉलिटिकल पार्टीज, क्योंकि इसके बीच में कई पॉलिटिकल पार्टीज का समझौता होता है, और अपोजिशन का जो है, अपोजिशन का जो जितना भी सिस्टम है वो कम हो सकता है। इट कमांड्स वाइडर सपोर्ट, इसके कारण हमारी राजनीतिक पार्टी को बहुत ज्यादा सपोर्ट मिलेगी। बट मोस्ट राइटर, लेकिन ज्यादातर राइटर क्या मानते हैं, कुछ राइटर्स मानते हैं कि होना चाहिए, और कुछ राइटर्स कहते हैं ऑफ द ओपिनियन दैट अ कोलिशन गवर्नमेंट मींस वीक एंड इनइफेक्टिव गवर्नमेंट। उनका मानना है यदि गठबंधन की सरकार बनी, मतलब सरकार जो है वो स्ट्रांग नहीं है, सरकार कमजोर है और वो प्रभावशाली भी नहीं है। कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन द कोलिशन पार्टनर्स, क्योंकि जो गठबंधन की सरकार के जो पार्टनर है उनके बीच में कॉन्फ्लिक्ट झगड़ा होता है, एंड मैनी रिजल्ट इन पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी, जिसके कारण राजनीति में अस्थिरता आती है। पता नहीं कब गवर्नमेंट खत्म हो जाए, कब कोई पार्टी अपना सपोर्ट वापस ले ले और सरकार खत्म हो जाए और फिर से इलेक्शन करवाने पड़े। द कंट्री नीडेड अ स्ट्रॉन्ग एंड स्टेबल गवर्नमेंट, कंट्री को जरूरत होती है एक स्ट्रॉन्ग और स्टेबल गवर्नमेंट की, एक मजबूत और स्थायी गवर्नमेंट की। द इलेक्शन टू द लोकसभा, इसलिए जब लोकसभा के इलेक्शन हुए, वर हेल्ड इन अप्रैल में 2014 में, जब 16वीं बार लोकसभा के इलेक्शन हुए, द सिटीजन वोटेड इन द फेवर ऑफ सिंगल पॉलिटिकल पार्टी आफ्टर अ गैप ऑफ नियरली 30 ईयर, तब लगभग 30 सालों के बाद एक बार ऐसा दिन आया जब एक पार्टी को ही मेजोरिटी मिली, और वो पार्टी थी भारतीय जनता पार्टी 2014 में। द सिटीजन वोटेड इन फेवर ऑफ अ सिंगल पार्टी, लोगों ने एक ही पार्टी के फेवर में अपने वोट दिए, आफ्टर अ गैप ऑफ नियरली 30 ईयर, लगभग 30 साल के गैप के बाद। ऑल्दो द बीजेपी सिक्योर्ड 282 आउट ऑफ 543 सीट्स, इट इज फॉर्म्ड अ कोलिशन गवर्नमेंट विद द सपोर्ट ऑफ एनडीए पार्टनर्स, लेकिन जब 2019 के अंदर इलेक्शन हुए तब गवर्नमेंट ने एनडीए के साथ सपोर्ट कर अपने 283 मेंबर्स को कंप्लीट किया और एक गवर्नमेंट बनाई, लेकिन जब 2014 के अंदर इलेक्शन हुए थे तब इनकी सीटें 300 से भी ऊपर थी, और इन्होंने कैसी गवर्नमेंट बनाई थी, एक स्ट्रॉन्ग गवर्नमेंट बनाई थी, और ऐसी गवर्नमेंट कई सालों के बाद हमारी कंट्री में बनी थी। बेटा इसकी एक्सरसाइज देखिए, निकाल लीजिए बेटा एक्सरसाइज पोर्शन। सबसे पहले हैं आपके एमसीक्यूज, आप लोगों ने फाइंड आउट किए, एमसीक्यू। इन इंडिया नो पर्सन शैल बी एलिजिबल टू कास्ट वोट एट जनरल इलेक्शन अनलेस ही एंड शी इज अटेंडिंग द एज, कि भारत में ऐसा व्यक्ति वोट के योग्य नहीं है जिसकी एज किससे कम होती है, बताइए, 18 ईयर। वेरी गुड, तो फर्स्ट का आंसर हो गया 18 ईयर्स। नंबर टू, इससे पूछू वही बताएगा, द मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट विद द रिगार्ड ऑफ इलेक्शन इज प्रिस्क्राइब्ड बाय, जो एक मॉडल कंडक्ट कोड दिया जाता है, आचार संहिता दी जाती है इलेक्शन के रिगार्ड में, उसे कौन प्रिस्क्राइब करता है, कौन बताता है इसके बारे में हमें, इलेक्शन करवाना किसका काम है, भूमिका, वेरी गुड, इलेक्शन कमीशन, क्या आएगा इसका आंसर, इलेक्शन कमीशन। नंबर
कंट्री व्हेन टू और मोर पार्टीज फॉर्म अ गवर्नमेंट, जब दो या दो से ज्यादा पार्टीज मिलकर गवर्नमेंट बनाती हैं स्टेट में या सेंटर में, वी कॉल इट, हम उसे क्या कहते हैं? धीरज, धीरज बताइए कैसी गवर्नमेंट कहा जाता है? रिप्रेजेंटेटिव, यूनियन, कोलिशन या स्टेट? धीरज, नहीं मालूम आपका ध्यान कहां पर रहता है? दिशा, दिशा बताइए क्या आंसर होगा इसका? स्टेट गवर्नमेंट। ओजस्वी, यस। हिमांशी बताइए, कोलिशन गवर्नमेंट, गठबंधन की सरकार, जब दो या दो से ज्यादा पार्टियां मिलकर बनाती हैं, मींस उनमें गठबंधन हुआ, वो पार्टीज मिलकर काम कर रही हैं, कोलिशन गवर्नमेंट। कोलिशन गवर्नमेंट बोर्ड पर लिखा है, ओजस्वी देख लो। नंबर फोर, नॉमिनेशन पेपर ऑफ कैंडिडेट हु स्टैंड इन अ इलेक्शन, कि जो एक नॉमिनेशन पेपर होता है कैंडिडेट का, जो व्यक्ति, जो कैंडिडेट इलेक्शन में खड़ा हो रहा है, आर सबमिटेड टू एन ऑफिसर, उसे एक ऑफिसर को सबमिट किया जाता है। उस ऑफिसर, वो कौन सा ऑफिसर होता है बताइए? चीफ इलेक्शन कमिश्नर, इलेक्शन कमिश्नर, रिटर्निंग ऑफिसर या प्रेसिडेंटिंग ऑफिसर? बताओ लक्षिता, रिटर्निंग ऑफिसर, वेरी गुड। रिटर्निंग ऑफिसर। और जस्ट भी बोर्ड पर देख लो बेटा, नेटवर्क प्रॉब्लम होगी अगर आवाज नहीं आ रही तो, बोर्ड पर देखो, एमसीक्यू स्टिक लगाओ। नेक्स्ट है ट्रू एंड फॉल्स। नंबर वन, यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस, यानी कि यूपीए जो गठबंधन की सरकार है, फॉर्मड एट सेंटर इन 2004 अंडर लेड बाय श्री अटल बिहारी वाजपेयी। ये अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व में बनी थी, जो कि 2004 के अंदर कौन सी गवर्नमेंट बनी थी बताएंगे आप मुझे? दिशा आप बता रहे हो, 2004 में यूपीए तो बनी थी, यूनाइटेड प्रोग्रेस अलायंस तो था, लेकिन उस वक्त में हमारे जो प्राइम मिनिस्टर अटल बिहारी वाजपेयी नहीं, मनमोहन सिंह थे, तो फॉल्स आएगा यहाँ पर। द मैनिफेस्टोज ऑफ द रीजनल पार्टी यूजुअली रेफर टू नेशनल इशू, जो रीजनल पार्टीज हैं वो अपने घोषणा पत्र में कौन से मुद्दों को उठाते हैं? राष्ट्रीय मुद्दों को उठाते हैं बताइए, बताइए। रीजनल पार्टी है तो अपने अपने रीजन के बारे में मुद्दों को उठाएंगी, नेशनल मुद्दों को नहीं, ये भी फॉल्स है। नेक्स्ट, द लीडर ऑफ अपोजिशन हैज द सेम स्टेटस दैट ऑफ द कैबिनेट मिनिस्टर, कि अपोजिशन के लीडर का भी वही स्टेटस होता है जो कैबिनेट मिनिस्टर। यस ट्रू। नंबर फोर, द कैंपेनिंग फॉर वोट By the candidate continue till the day of polling. कह रहे हैं जो वोट की कैंपेनिंग का, वोट मांगने का जो अभियान होता है उस कैंडिडेट के द्वारा, वो वोट के दिन तक होता है, जिस दिन वोट डलते हैं, फॉल्स, 48 आवर्स पहले वो खत्म हो जाता है। Even today, women don't have the right to vote in some countries. आज भी कई कंट्रीज में महिलाओं को वोट का अधिकार नहीं है। यस, आज भी ऐसी कई कंट्रीज हैं जहां पर महिलाओं को वोट का अधिकार नहीं है। मैचअप। भारतीय जनता पार्टी का साइन क्या है? लोटस, वेरी गुड, लोटस के आगे नंबर वाली थी। इंडियन नेशनल कांग्रेस का है, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, मार्क्सिस्ट, हैमर, सिकल एंड स्टार, वेरी गुड, हैमर, सिकल एंड स्टार। नंबर फाइव, शिरोमणि अकाली दल,
तराजू था यहाँ पर, तो आपका पॉइंट देखो क्या बन गया, ये देखो 3 4 1 2, सॉरी कुछ गड़बड़ कर दी मैंने, स्केल जो है नंबर 3 है, नहीं शिरोमणि अकाली दल नंबर 5 है, रुको एक मिनट, देखो भारतीय जनता पार्टी का लोटस, इंडियन नेशनल कांग्रेस का हैंड 2 बना दीजिए, ठीक है, शिवसेना, शिवसेना का क्या है बताइए, बो एंड एरो, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सिस्ट का हैमर सिकल एंड स्टार, एंड शिरोमणि अकाली दल का स्केल, तो आपका नंबर बन गया 3 4 1 5 2, क्लियर है सभी का, हो गया ये कंप्लीट, अब मुझे ये बताओ नोटबुक को मैं चेक, नोटबुक तो मैं चेक करती हूँ, ये बताओ आपकी अभी कौन कौन सी क्लास में रिवीजन चल रही है और किस किस क्लास में चैप्टर आगे चल रहा है, इंग्लिश में चल रहा है आगे, मैथ में चल रहा है, मैथ में चल रहा है, एसएस में चल रहा है और साइंस में भी चल रहा है, तो एक एक मिनट रुको, एक बच्चा बताओ मुझे जो सारी क्लास लेता है, ये हमारा स्टेट गवर्नमेंट का यदि हम चैप्टर स्टार्ट करते हैं, ये काफी बड़ा है, अच्छा अच्छा ठीक है, तो कल हम इसके क्वेश्चंस करेंगे बेटा, और आज टाइम हो गया है, नोटबुक भी मैं कल चेक करूंगी आपकी, कल बस क्या करना है हमने, कोई बात नहीं, कल हमने इस चैप्टर के क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे, एक्सरसाइज हमारी हो चुकी है और प्लस में नोटबुक चेक करूंगी, तो कल सभी बच्चों को क्लास में होना चाहिए, ओके अभी लीव करो, और जैसे मैं बाद में करूंगी बेटा, लीव करो अभी कल, हाँ बेटा मैंने नोट कर रखी है नाम, किस किस ने क्लास अटेंड की है, आते ही मैंने नोट कर लिए, बाय, निखिल, निखिल कुमार, निखिल का नाम आई थिंक मैंने नहीं लिखा, चेक कर लेती हूँ मैं, बाकी बच्चे लीव कर दो, निखिल A3 सेक्शन से हो, लिख रखा है, लीव करो बेटा जल्दी जल्दी, धीरज, धीरज का नाम, धीरज का एक मिनट रुको, धीरज का भी चेक कर लेती हूँ, धीरज हाँ A2 से लिख रखा है बेटा, लीव करो, दिशा लीव करो, दिशा लीव कर दे बेटा,